अयोध्या से पधारे महामंडलेश्वर फलहारी बाबा ने त्यागी बाबा के मठिया पर प्रवचन करते हुए कहा कि माता की सेवा करते सरसारे तीर्थों का फल प्राप्त किया जा सकता है। पिता के चरणों में समस्त देवताओं का निवास होता है। माता पिता का तिरस्कार करने वाले भविष्य में कभी सुखी नहीं होते हैं। सत्संग रूपी पाठशाला में सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव को चरितार्थ करने पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। निषादराज, तू प्रेम पथ का पथिक है और मैं ज्ञान पथ का पथिक हूँ। वैराग्य है तो हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा विदेह पुत्री सिया जो भक्ति की प्रतीका है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा है राम कथा। राम ज्ञान है, लखन वैराग्य है और सीता भक्ति है। कहते हैं प्रभु श्री राम की हे निषादराज, मैं ज्ञान हूं। हां, मेरे पीछे एक प्रेम पथ का पथिक आएगा भरत, उसको रास्ता तू दिखाना। मैं तो भारद्वाज जैसा, भारद्वाज पूछते हैं, भारद्वाज जी बुलाए अजानुषु शिष्य आए, लेकिन उसमें से कितने शिष्य रास्ता दिखाने के लिए तो अवश्य खटकता है। ऐसे सबरी को, वैसे भक्ति के बारे में पूछी नहीं है सबरी मानुष में। मैं एक दिन थोड़ा बढ़िया से पढ़ रहा था, कहीं पूछी नहीं है कि हमको भक्ति बताइए। स्वयं प्रभु श्री राम, ध्यान देना, अधिकारी बनोगे तो स्वयं अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। आजकल अनाधिकारी लोग अधिकार के लिए मृग तृष्णा की भाग दौड़ रहे, अधिकारी है ही नहीं हो इसलिए अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता। जो अधिकारी है वह सरकारी जॉब नहीं कर रहा है, वो तो प्राइवेट जॉब में, क्योंकि उसके पास मेरिट है। एक में रिजाइन मार रहा है, दूसरे में ज्वाइन कर रहा है। ये अधिकारी थी सबरी। प्रभु राम तेरी आरती उतारूं, ये पा